भाई साहब सर में दर्द होगा मेरे तो। चुप हो जाओ, रो मत। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजने वाले हैं सुबह के 6 और अंकित और मैं उठ गए थे सुबह 5 बजे और हम लोग जा रहे हैं भाभी जी को लेने सीधा उनके घर पे। अभी उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग वहां पे आ रहे हैं सुबह सुबह। उनका प्लान मतलब बन रहा था आने का कि आजकल मैं आना ही है, तो हम सीधा अभी उन्हें सरप्राइज देंगे जाके जब वो सो रही होंगी, सोती हुई को सरप्राइज देंगे सीधा। तो निकलते हैं हम लोग अब, और अपने साथ बैठा अंकित। सुबह सुबह हो रहा है, देखो कितना घना कोहरा, थोड़ी दूर आगे दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है सुबह सुबह, एकदम ठंडी ठंडी हवा है भाई साहब, दिल खुश हो गया मेरा तो। सुबह सुबह घंटों की ड्राइविंग के बाद अब बस 2 किलोमीटर रह गया है, हम पहुंचने वाले हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है अभी भाभी जी सोई रही होंगी, तो अभी देखते हैं। अंकित और मैं पहुंच चुके हैं भाभी जी के गाँव में, अब जा रहे हैं घर पे। यहाँ तो और ज्यादा कोहरा सा हो रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। तुमने बताई भी कौन है? अब यही तो है। इसी की वीडियो ना बनाओ। सुनो, उन्हें बताना मत अभी मैं आया हूँ। बताना नहीं है। यम है हम। हाँ जी है, उठो चलो। उठो अब। हाँ जी, कैसा लगा है पूजा दीदी? ऐसे आ गए हम। पुच्चू, अरे क्या सुनो, अभी पूजा दी देख रही हमें, यूं कर रही हूँ कि कौन आए। अच्छा फिर चिल्ला रही, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कितनी जल्दी कंबल ढक लिया हटाने के बाद। क्यों आए हो? क्यों आए क्या, हमारी मर्जी, आ गए आंटी जी से मिलने आए। आंटी जी बैठ जाओ, चाय बनाओ। कोई नहीं आंटी जी, तो ये सरप्राइज मिला है भाभी जी को कि हम सीधा पहुंच गए। उन्हें इन्हें कोई भाभी आपको आइडिया था कुछ भी नहीं था ना? पता दीदी, बस हमें ना ये डाउट था कि यार ये उठ ना जाए। अच्छा, मतलब हमें सबसे बड़ा ये डाउट था कि यार अगर ये उठ गई ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा बिल्कुल। नहीं, ये नहीं उठती, 10 बजे तक नहीं उठती। पर मुझे पता था सनीचर कहाँ उठतेगा जल्दी। है ना भाभी, तो सुबह सुबह निकले हम, 5 बजे उठे, ठीक है, बढ़िया था ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह भी ना धोया हमने तो, मुंह भी नहीं धोया तो इतनी ठंड में क्या करोगे मुंह धोके, कितना कोहरा हो रहा बाहर। खुद तो नहाने के आगे होंगे। मैं नहीं नहाया सच में, ब्रश भी मैंने रात में ही करा था, सुबह भी नहीं करा। अरे मैं तो उठा और निकल गया और पजामे भी पहन लिया, देखो मेरा पजामा। तू बता इधर आ, इधर क्या हाल है तेरे, बात तो कर ले मुझसे, क्या हाल है तेरे? बढ़िया, मिस करता है तू मुझे? तबीयत ठीक है आपकी? अब भाभी जी की तबीयत भी खराब हो गई थी थोड़ी सी, तो इस चक्कर में व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे, मतलब भाभी जी वरना जल्दी आने का प्लान कर रही थी घर पे। हाँ अभी रोहतक डॉक्टर पे दिखाया, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया इस चक्कर में व्लॉग, लेकिन हाँ अभी तबीयत ठीक है। कल पता है, हाँ, एक गाड़ी आई थी उधर ब्लैक कलर की, हाँ, स्कॉर्पियो ही थी, तो ज्योतिष को गुड़ा गुड़ा दे रही, मेरे को अंदर आके बता रही कि जी जी मैंने सोचा कभी विनर मेरे को सरप्राइज दे दे, हाँ, और ये तो नहीं गई बताए, और वो कल ही बात करनी थी ये। वही हो गया बिल्कुल, कल मैं यूं देख रही, मैं अपने चाचे के लड़के तो पूछ रही, अरे कौन आया है? हाँ, कह रहा ए कोई ना आया, मेरे अखाड़े के आए हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा आंटी मेरी यू कह रही, मैंने तो यू सोची जो तीन लेने वाले आ गए, मैं कहा लगा तो मन्ने भी नहीं था। मेरे पति तो फोन भी ना उठा रहा, पुच्चू लेके आ गया पापे, खा ले ये सारे खाएगा तू ऐसे रूखे हुए। लो जी हमारा नाश्ता आ चुका है, ये देखो दूध, और ये रहे जी देसी लड्डू। यही बॉडी बन जाएगी पूरी, बना ये देखो इन्हें कैसे घूम रही है, क्या हो गया? चाय
चार दिन से छिपकली ऊपर लटकी हुई थी। हाँ। ज्योति से कह रही कल रात मत जो इस छिपकली के ऊपर, मुझे बहुत दया आ रही है, बेचारी जाम हो रही, तो कह रही ड्रायर से सेक दे इसको। क्या हुआ आप कहाँ है? आज वो नीचे आ गई है उसके दरवाजे के पीछे। मर गई? नहीं। अच्छा जिंदा है? एक छिपकली है नी, मुंह से धुआं देखना कैसे निकल रहा है। और तो सिगरेट वीडियो सिगरेट मैं उका पी रही हूं। ये देखो मुंह से कैसे निकल रहा धुआं, के भर दूं आप दे दे सिगरेट वीडियो सिगरेट अंकल सिगरेट पी के दिखा आई नहीं था। अरे मम्मी इतने जाड़े में तो मेरा जाई मैं तो निकाल दी नीचे देख के, अभी केक काट देती वरना 11 बजे मस्त उठती सही में। और क्या, लड़कियों के ये हाल होते हैं, हमारी भाभी जी घर पे आके मस्त सोती हैं, कोई काम नहीं अब ना आराम से। भाभी ये देख ना, देख कैसे रही है सारी मुझे, देख ये अलग देख रही है, वो अलग गुस्से में, डर गई, डर गई, मारेगी मुझे तू, और तेरी सींग दिखा रही है, स्टाइल दिखा रही है ज्यादा, तेरा दूध आज मैं ही निकालूंगा, आऊं ओ भाग गई उधर, उसे देख उसे देख उसे देख, सींग से सींग नहीं है, टेढ़े सींग की, चुपचाप खड़ी हो जा, ये सही है, ये बढ़िया अपना चुपचाप। मैं सोच रहा था भैंसों को दोस्त बना लूं, तो दुश्मन बनने को तैयार हो रही है। कैसी भैंसे हैं तुम्हारे यहाँ की? काली 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 इसे देखो बागड़ बिल्ले से को, इधर आ ये क्या है? हाँ। अंदर आग जलती है। अच्छा, और इसमें गर्म पानी हो जाता है। अच्छा जी, गांव में गीजर तो भाई होते नहीं है ज्यादातर। हाँ। इसमें ठंडा डालो गर्म आ जाता है सही में। लो देखो गर्म, और यहाँ से गर्म आ रहा है तेरी। भाई ये जुगाड़ तो बड़ा अच्छा है भाई, उधर से ठंडा पानी डालो गर्म निकालो, वही हो गई राहुल गांधी वाली बात, आलू डालो सोना निकालो। अंकित तो बढ़िया जुगाड़ है, बढ़िया जुगाड़ है, लगा ले तेरे घर में ऐसी है। अरे बिल्कुल, अरे अरे भाई भाई नहीं, 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 भाई भाई ये जुगाड़ तो बढ़िया कर रखा है एकदम। हाँ खाम खाम गीजर वीजर के चक्कर में, हाँ जुगाड़ है, वही तो मस्त जुगाड़ है ना, देख रहे हो कितने बेहतरीन बेहतरीन जुगाड़ हैं, मतलब गीजर वीजर की दिक्कत ही खत्म सारी। ये देखो भाई साहब कल उखाड़ के लाई है इतनी सारी मूली, भाभी कह रही है घर लेके जाऊंगी अचार बनाऊंगी इनका। और क्या, काट भी ली दोगे? काट भी ली कम से कम होंगी ये 10-15 किलो है भाभी, बहुत सारी मूली थी। हाँ मजा आ गया, अच्छे से रख लो शॉल आगे को करके थोड़ा सा। लो जी भाभी चल रही गोबर रख के सर पे, अब एक काम करो सुनो भाभी, ये आपको फेंकना है उसके बाद उपले बनाने हैं इसके। भाई साहब सर में दर्द होगा मेरे तो। उपले भी बना दो, एक काम करो इसके उठा ले। अरे किस फेंक के करा था? अरे यूं ही कहते कुड़ी पे। देखो भाभी अरे नहीं लगा सर मैं ऐसी बोल रहा हूँ। गर्म पानी साधु आए हाँ ढंग से, थोड़ा ढंग से, कूड़ा दिख रहा है। पूजा दीदी क्या ये कैसे साफ कर रही हो, कूड़ा पड़ा इतना? अरे नहीं बिल्कुल साफ किया देखो। पूरी में सब अपने अपने घर के आगे से खुद ही साफ करते हैं। हाँ सही कह रहे हो, तो अच्छी चीज है, बढ़िया है, और क्या साफ भी पड़ी रहती है, सड़क गंदा भी नहीं होता। देखो मैं बताऊं ये बढ़िया है भाई, अपना अपना लाइन बना रखी है, जितना अपना घर है सही बात है। जब मैं निकालती हूँ ना मैं नहीं देखती क्या है, मैं सारे में निकाल देती हूँ। अच्छा लो भाई पुच्चू तो पतंग उड़ाना स्टार्ट हो गया है, इसका संक्रांत खत्म ही नहीं हुआ अभी भाई। वाह ये लो टूट गई पतंग आई वो। तो अंकित कैसा लग रहा है तुझे गांव में आके? बढ़िया अम्मा मजा आ रहा है। ठंडी लग रही? अरे इनर पहन रखा है। अच्छा भाई बैंगन लग रहे हैं तो सुंदर सुंदर भाभी के यहाँ, इन्हें तोड़ तोड़ खा लिए। अच्छा भाई हम आए अपने गोलू के घर, आपको पता है गोलू पहलवान है हमारा, कह रहा लो जी गाजर काट रखी है, जूस पियो फ्रेश। अभी जूस बनवाया बिल्कुल ताजी ताजी सुबह सुबह।
सही सही माहौल कर रखा है गुलू तुम लोगों ने। देख तेरे घर पे गाजर कटी पड़ी है, वहां पीछे मूली रखी हुई। चलो जी जूस पी लें हम तो भाई। वाह एकदम ताजा ताजा गाजर का जूस। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पी लो दिल्ली में वेजिटेबल जूस वाला, भाई पानी मिला देगा कोई कलर मिला देगा, इसमें आ रहा है स्वाद एकदम। स्वाद आ रहा है तो पड़े गाजर ले चलो घर। ये मार गाल दिया यो। आधी किलो पैक कर लो। आधी किलो क्यों सारी लो, गाड़ी आ रही है। क्या दरवाजा खोल दिया फिर छिपक दिख गई मैं। छिपकली से बहुत दिन नाते में ला मैं निकालू झाड़ू दे। ये देखो इससे इससे डरे थे इस छिपकली से। एक मिनट इन्हें लगा हाथ में रखी। मैं उठा लूंगा मैं, इन डरता लाऊं रुको यही रहना। आंच चली जा रही है, आंच से क्या करोगे फिर? अच्छा रायते के लिए वो तेल डाल के ढक देती हूं। समझ गया वो करेंगी मम्मी। वैसे मैं मौसी बोलना चाहिए ना, मौसी मौसी और मम्मी ने कहा था मौसी बोला करो। अब से मैं मौसी बोला करूंगा आपको। ये भाभी जी के चक्कर में बोलने लग गया था मैं। अब से मौसी बोला करूंगा मैं आपको, ठीक है? ना ना मौसी बोलूंगा मैं। भैंस का खाना है ये, इसमें दलिया खर खरवर ये सब मिलता है ना। हाँ देख ले सारी चीजें पता मुझे, समझ गया। भाभी भी यही खाती है ना दिल्ली में। लो मौसी भी बना रही है बिल्कुल भाभी की तरह। ये लो जी ऐसी भाभी बनाती है बिल्कुल घर पे। ये काम कराया था खाओगे तो अलग ही स्वाद है। हाँ अलग ही स्वाद है बिल्कुल। भाभी बनाती है घर पे कभी कभी। हाँ। अरे भाई मजा आ जाएगा लोनी से। देखो बंद होने की लोनी आपके। आज तेरी भाई आज तो मजा आ जाएगा लोनी से खा के। भाई आदि को मेडल मिले हैं ये। आदि किस किस चीज में मिले हैं? रेस में जीता था। एक एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है ना। भाई वाह क्या बात है। कितने मीटर की वो थी दौड़? 200 मीटर। भाई वाह देख ले सीख ले बच्चों से कुछ। आज आ रहा स्वाद भाई साहब चूरमा लोनी बढ़िया एकदम। भाई हमारा आदि बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है, अब बॉडी पोजिंग करके दिखाएगा। चलो भाई साहब दिखाओ। ओ भाई साहब ओ बेटे ओ तेरी ऐसे कर ऐसे कर ऐसे बैक दिखा क्या बात है। लो जी भाभी जी हो चुकी है तैयार, चले अब चले फिर मौसी जी हम लो जी भाई विदा मिल रही अंकित को। अरे रहने दो ना, अबे रहने दो रहने दो ये लो। अरे रहने दो बस ले विदा तो ले ही जाएगी। अरे ये एक पकड़। अरे सुनो सुनो अरे एक ही बहुत है दोनों की कोई बात नहीं। हमारे से गुण होता भैया। लो जी फुल कमाई हो गई अंकित की। अंकित की झाड़ी मिल गई एक दिन की। ओ आदि के तो मजे आ रहे हैं भाई क्या बात है। तो भाभी आपको कैसा फील हो रहा है आप इतने दिनों बाद घर जा रहे हो? है? गंदा फील हो रहा है तो मत जाओ, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। बटार डाले तो बैठे ना कैमरा खोल के खड़े हैं। ठीक है मौसी नमस्ते। नमस्ते मौसी कहने लग गए। हाँ नहीं मौसी बोला करूंगा मैं अब। ठीक है। अरे 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 देखो पूजा दीदी कैसे मजाक उड़ा रहा है आपका। अरे रो मत पूजा दीदी। अरे भाभी आप भी रो रहे हो, चुप हो जाओ रो मत। अरे इतनी मेहनत से मेकअप करा सारा। आदि कह रहा है इतनी मेहनत से मेकअप करा सारा खराब। ठीक है बाय सबको बाय, ध्यान रखो सब अपना। अभी हम निकल गए घर के लिए और भाभी जी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी दीदी और मम्मी जी से बाय कहते हुए। ये होता ही है भाभी जी। अब चलो अब शांत हो जाओ। अब जब भाभी जा रही थी ना तो जब तक जाने की बातें हो रही थी ना कि हाँ भाई जा रही हैं तब तक भाभी ऐसा लगता है कि हाँ सही है जाओ घूम के आओ, और जब चले जाते हो ना भाभी तब सबको लगता है कि अरे यार थोड़ा सैड सा माहौल हो जाता है, समझ रहे हो? तब महसूस मतलब मिस करते हैं फिर। हाँ तब महसूस होता है। अभी पता है देखो जब आप नहीं गए थे तो हम क्या बात कर रहे थे कि अरे आप चले जाओ हम तो भाई साहब बाहर जाएंगे पार्टी करेंगे करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे एक भी दिन जो कहीं बाहर गए हो कहीं या कहीं घूमने का प्लान हो भाभी जी कुछ भी नहीं। भाभी एक बात बताओ ये जो विदाई के पैसे मिले हैं अंकित तू क्या करेगा इनका? मोमोज खाऊंगा। आज ही खत्म है। इतनी धीरे बोल रहे हो मोमोज खाऊंगा आज ही खत्म है। मुझे भी काफी सारे पैसे मिले हैं अलग अलग लोगों से, मैं क्या करूंगा उनका? आज एक देसी ठर्रा लेके आऊंगा मैं क्योंकि ठंड हो गई है।
आप कहते तो मैं रास्ते में दिलवा देती आपने। अच्छा और क्या? संतरे संतरा भाई भाभी जी लेके आ गई है सब्जी मंडी में, कह रही है मसाले लेने हैं, अचार डालूंगी। लो जी मसाला राई सौंफ सब मिल गया, अचार का सारा सामान लेके निकल चुके हैं घर के लिए। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, मैंने कहा यार जब मैं आया था ना तब नहीं लग रही थी इतनी ठंड, अब लग रही है पता नहीं क्यों, खाना पीना खा के मफलर लपेट लिया मैंने तो। अरे लाइट नहीं आई सुबह से, लाइट भगा दी आपने। और दिल्ली में पहुंचते ही जाम चालू, भाई साहब पीरागढ़ी का जाम जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता यार, दिल्ली के जाम से इतना दुखी हो गए यार क्या बताऊं मैं, भाभी जी तो सो गए यार देखो। और फाइनली हम आ चुके हैं घर, मम्मी इतना थक गया मैं तो यार। ये देखो जी भाभी क्या क्या लाई है, अंगूर मूली कटी हुई अचार के लिए, लस्सी, और भाभी क्या है उसमें साग, इसमें क्या है, अच्छा इसमें भी कटी हुई मूली, और इसमें मम्मी देखो लौनी। हाँ ये मम्मी क्या है कारपेट, और ये है लो जी बाजरा, क्योंकि मम्मी और भाभी को बहुत पसंद है बाजरा की रोटी चूल्हे पे बनाना। इतना सारा सामान लेके आ गई भाभी यार, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे नॉन स्टॉप कितने घंटे ड्राइव कर रहा हूँ। ओहो आते ही इतना प्यार, भाई वाह। अमित तो कैसा लग रहा है आपको भाभी जी आ गई, मजे में जिंदगी बिना वक्त चले आया। भाभी क्या कह रहे हैं, कह रहे अच्छी खासी मजे में जिंदगी चल गई थी। मजाक नहीं समझते तुम, ऐसे इसलिए नहीं बोलता मैं ताकि नजर ना लग जाए। ओह भाभी देखो आंख मार रहे मेरी तरफ, आंख मार रहे देखो। अरे ज्योति को पता है ना आपको मेरी याद आ रही थी, और आ रही थी भाभी फोन करते थे आपको, आ रही थी है करते थे, चलो फिर तो ठीक है, फिर तो मान लेता हूँ। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। राम राम जी, ऐसे ही प्यार बनाए रखो और सब्सक्राइब कर देना सारे, ठीक है।